हे देयर गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट पिकाचू, यानी कि पिकाचू के मतलब कुछ फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे पिकाचू के बारे में। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन ये है कि मेल पिकाचू और फीमेल पिकाचू के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो होता है बस उनकी पूंछ में डिफरेंस। लाइक तुम देख सकते हो दोनों की पूंछ का मतलब शेप थोड़ा अलग अलग होता है। फैक्ट नंबर टू ये है कि पिकाचू है वो एक माउस टाइप पोकेमोन है, लाइक वो एक माउस ही है। बट पिकाचू की जो हाइट है वो है 4'1" और पिकाचू का जो वेट है वो है 5.9 kg। फैक्ट नंबर थ्री ये है कि एनीमे में पिकाचू को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बताया गया है, बट गेम्स में वो इतना स्ट्रांग है नहीं। हाँ, अगर आपने गेम्स खेली होंगी पोकेमोन की तो आपको पता ही होगा कि पिकाचू को गेम्स में इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है, बट एनीमे में बहुत ज़्यादा ओवररेटेड दिखाया गया है उसे। फैक्ट नंबर फोर ये है कि पिकाचू किसी ने भी अटैक कर सकता है जब कोई उसकी पूंछ के ऊपर छेड़छाड़ करेगा, या फिर उसके पैर रखेगा, या फिर उसकी पूंछ को टच करेगा, तो पिकाचू उसके ऊपर तुरंत हमला कर देगा, चाहे वो उसका ट्रेनर हो या फिर कोई भी हो सकता है वो। सब बात करते हैं फैक्ट नंबर फाइव की। फैक्ट नंबर फाइव ये है कि पिकाचू को विकसित होने के लिए कभी भी लेवल अप्स की जरूरत पड़ती नहीं है। या लाइक तो पिकाचू को कितने भी लेवल पे लेके जाओ वो विकसित नहीं होगा, बट अगर आपको किसी पिकाचू को पिकाचू में इवॉल्व करना है तो आपको बस उसे खुश करना है। हाँ, बस आपको पिकाचू को खुश कर देना है, वो पिकाचू में सीधा इवॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको उसको राइट में इवॉल्व करना है तो आप थंडरस्टोन का यूज़ कर ही सकते हैं। सीधा थंडरस्टोन मारो पिकाचू के मुंह पे और वो सीधा राइचू बन जाएगा। यही भी होते हैं हमारे सारे के सारे फैक्ट्स खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यार ऐसी वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।